दोस्तों नमस्कार, मैं जगदेव आप सभी का द ब्लैक बोर्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे चमार जाति के असली इतिहास के बारे में। दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो आप हैरानी से भर जाएंगे। आज मैं आपके समक्ष हर तथ्यों का सबूत देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के इस अंक को जो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार यूबी न्यूज एचटी पर वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों सिकंदर लोधी, आप जानते होंगे, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, लोधी के शासनकाल 1489 से 1570 से पहले भारतीय इतिहास में चमार जाति का उल्लेख नहीं मिलता। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वे वीर चंवर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोधी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। भारत में सबसे विश्वसनीय इतिहासकारों में से और लेखकों में से एक विद्वान कर्नल जेम्स है, जिन्हें विद्वान माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। दोस्तों विख्यात लेखक विजय सोनाकर शास्त्री ने भी गहन शोध के बाद इनके ऊपर एक हिंदू पुस्तक गौरवशाली राजवंश का इतिहास लिखी है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में ना तो कोई चमार शब्द था, ना ही इस नाम की कोई जाति हुआ करती थी। लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती है कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चमार एवं सफाई कार्यों के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े को निषेध वो है समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन में भारी प्रयास किए गए थे। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चंवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंद्रसेन थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास को अपना गुरु बनाकर अपने मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दे दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीनों तक रहे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में हजारों लाखों लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके अनुयायी बन गए। उसी का प्रमाण आज भी भारत के पश्चिमी भाग में अधिक संख्या में रविदासी देखने को मिलते हैं। राजस्थान में चमार जाति का प्रभाव आज भी लगभग राजपूतों ही जैसा है। औरतें लंबा घूंघट रखती है और आदमी ज्यादातर बड़ी मूछें और पगड़ी पहनते हैं। संत रविदास की पहचान इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासक घबरा गए थे। सिकंदर लोधी ने सतना हकीम को संत रविदास को मुस्लिम बनाने के लिए भेजा। वो जानता था कि यदि रविदास इस्लाम कबूल करते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम फैल जाएगा, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं अपना अदना जो फकीर थे चर्चा में पराजित होकर कोई जवाब दे ही नहीं सके। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास कर दिया और उनके शिष्य बन गए और साथ में हिंदू भी बन गए। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोधी आग बबूला हो उठा और उसने संत रविदास को कैद कर दिया और इसके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया। उसके कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूते बनाने इत्यादि कार्य जबरदस्ती इन लोगों से करवाए जाते थे और इन्हें मुस्लिम बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए गए थे। संत रविदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोधी को संत रविदास जी को छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए दोस्तों, हमने कभी संत रविदास के दोहों को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, जिसमें उस समय के समाज का चरित्र बताया गया है जो सिकंदर लोधी के अत्याचार, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का वो विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मण क्षत्रियों को निम्न वर्ग में धकेलने की ओर संकेत करते हैं। जिन्हें सिकंदर लोधी ने चमार बनाया और हमारे आपके पूर्वजों ने जिन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता के हाथों को मजबूत किया, इस समाज ने
पद दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा हुआ है। आज भारत में 33 करोड़ मुसलमान हैं और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने मुगलों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती और भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। यहां भी जिहाद का बोलबाला होता और इराक, सीरिया, सोमानिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि देशों की तरह बम धमाके, मारकाट और खून खराबे का माहौल होता। हम हिंदू या तो मारे जाते या फिर धर्मांतरित किए जाते या फिर हमें काफिर के रूप में अत्यंत कष्ट वाली जिंदगी जीनी पड़ती। धन्य है हमारे वो पूर्वज जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट सहकर भी हिंदुत्व का गौरव बचाए रखा और खुद अपमानित और गरीब रहकर भी हर प्रकार से भारतवासियों की सेवा की। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही प्यारे दोस्तों, एक बार आपसे फिर से निवेदन करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलता हूँ अगली रोचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।